गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइस आप लोग टाइटल देख के तो वीडियो समझ ही गए हो कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो टुडे वी आर ट्राइंग एवरी टाइप ऑफ मोमोज और हमने सारे तरीके के मोमोज ऑर्डर कर दिए हैं और हम बालकनी में खड़े होकर उसी का वेट कर रहे हैं और साथ में मौसम का भी मजे ले रहे हैं। तो बस यार भैया जल्दी से आएँ, बहुत देर हो गई है खड़े खड़े। 10-15 मिनट से तो हम खड़े हुए हैं और जोमेटो में दिखा रहा है कि ऑर्डर आने वाला है। तो एक मिनट आ गए, चलो भाई भैया आगे सामान लेके आते हैं, आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाते हैं, चलो अंदर। सो गाइज हमारे सारे मोमोज आ गए हैं, ये रहे हमारे सारे मोमोज, हमने इसका सेक्सी सा सेटअप बना लिया और ये रही हमारी सारी चटनियाँ। इतनी सारी चटनियाँ भेज दी कि 3-4 दिन तो चली जाएंगी। और हमने सारे मोमोज जो है डिफरेंट जगह से मंगवाए हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो ये वाले जो हैं ये तो दिख रहा है आपको वाव मोमोज हैं, बाकी ये सारे मिक्सड हैं। तो एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन सा कहाँ से ऑर्डर करा है। और बहुत सारे डब्बे हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आज बारिश हो रही थी और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा हम दोनों से। तो चलिए मोमोज की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, चलो अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। और है तो स्टीम मोमोज हैं, स्टीम मोमोज तो सबको ही पसंद होते हैं, मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी हमारे सेकंड टाइप के मोमोज और ये हैं हमारे पिज्ज़ा स्टाइल मोमोज, इसके अंदर पिज्ज़ा की स्टफिंग है। और आप लोगों ने हमारी वॉन्ग्स किचन की वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर भी हमने पिज्ज़ा स्टाइल मोमोज ट्राई करे थे, तो वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। और जो वॉन्ग्स किचन है वो हमारे घर तक डिलीवरी नहीं करता, इसलिए हमने वहाँ से ऑर्डर नहीं करा। ये हमने कहाँ से थे, क्षितिज किंग मोमोज से, किंग मोमोज विकासपुरी, वहाँ से हमने ये दोनों जो मोमोज थे वो ऑर्डर करे थे। तो अनबॉक्स करते हैं थर्ड मोमोज को। ओए होए इसके अंदर तो कुरकुरे मोमोज हैं, ये देखो प्लेट में डालते हैं, क्या मस्त लग रहे हैं यार, इसे देखते ही। तो अब इसको खोल के देखते हैं। और कुरकुरे मोमोज भी हमने किंग मोमोज से मंगवाए हैं, विकासपुरी में हैं। खुल जा भाई, जेड के सिक्योरिटी के साथ पैक करके दिए हैं उन्होंने। इसके अंदर हैं हमारे फ्राइड मोमोज, ये हैं फ्राइड मोमोज, तो भी इसी प्लेट में निकालते हैं। और मैंने सारी हाफ ऑर्डर करे हैं क्योंकि वेस्ट ना हो, इसीलिए हमारे फ्राइड मोमोज भी आ गए। इतने सारे मोमोज देख कर तो बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पागल हो जाऊँगा मैं तो। सारे मोमोज देख कर तो फूड गैजम हो गया मेरे को। इसके अंदर कौन से हैं, ये डब्बा थोड़ा भारी लग रहा है। ये अचारी मोमोज है शायद, ये अचारी मोमोज है, कुछ भी बना देते हैं मोमोज का, सब्ज़ी जैसे लग रहे हैं तो बट खुशबू वैसे सब्ज़ी जैसी आ रही है इसकी। तो ये देखो तो, और थोड़ा इसमें ये प्याज व्याज डाल रखे है और तंदूरी मोमोज को थोड़ा मैरिनेट कर रखा है प्याज के अंदर, तो उसको यहीं रख देते हैं अभी। इसमें देखते हैं क्या है। और ये हैं हमारे अफगानी मोमोज, थोड़े क्रीमी से लग रहे हैं देखने में और मोमोज का साइज़ तो बहुत बड़ा है, एकदम मॉन्स्टर साइज मोमोज हैं ये। और हाँ यार मेरे को अभी ध्यान आया कि ये वाले अचारी नहीं है, ये वाले तंदूरी मोमोज हैं, सॉरी मेरे से गलती होगी। तो अब अनबॉक्स करते हैं इसको, जो टिफ़िन बॉक्स में दिया इन्होंने हमें। ये ग्रेवी लग रहे हैं देखने में तो। ओ भाई साइज़ देखो मोमोज का, मैं आपको थोड़ा सा उठा कर दिखाता हूँ मोमोज, देखो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी खा जाऊँ मैं तो इसको एक बारी में, कितना बड़ा पीस है ये, अकेले खा सकते हो, फटाफट से कमेंट करके बताना। मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्षितिज कैसे कंट्रोल कर रहा है वीडियो बनाते हुए। सो अब जो नेक्स्ट मोमोज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ उसको देख के कोई मेरे को गाली नहीं देगा, कोई वीडियो डिसलाइक नहीं करेगा, कोई गंदे गंदे कमेंट नहीं करेगा, ना इंस्टाग्राम पे डीएम में गाली बजेगा क्योंकि मैं एक पाप करने जा रहा हूँ और वो पाप है चॉकलेट मोमोज का यार किसने बनाई है चॉकलेट मोमोज, मैंने एक बार ट्राई करे थे इंडी मोमोज पे, भाई गजब होते हैं और ये हमारे आज के लास्ट मोमोज, ये हैं पैन फ्राइड मोमोज जो हमने वॉ मोमोज से ऑर्डर करे हैं। भाई खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, इनके भी मोमोज का तो साइज़ है बहुत बड़ा है। ओए उठ जा, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो हमने सारे मोमोज अनबॉक्स कर लिए हैं और इतने सारे मोमोज देख के तो बस पागल हो रहा हूँ मैं। फटाफट से इसका थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल के लिए फोटो खींचते हैं, इंस्टाग्राम का पोस्ट निकालते हैं, एक दो रील बनाते हैं और आपको फिर टेस्ट करके बताते हैं। तो कहीं मत जाएगा, पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए मैं अपनी छत पर आ गया और ये देखो मौसम एक बार कितना सेक्सी लग रहा है मौसम। और इतने बढ़िया मौसम में इतने सारे बढ़िया बढ़िया मोमोज, और ये सेटअप कैसा लग रहा है मेरे को, आप लोगों को मेरा, मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्रेविंग हुई या नहीं हुई इस सेटअप को देख के आपको। मेरे को और क्षितिज को तो बहुत ज़्यादा हो गई और हमने तो एक दो पीस खा भी लिए निकाल के तो फिर हम ऊपर आ गए। चलो अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे टेस्टिंग का, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम इससे अपने स्टीम मोमोज से, क्योंकि स्टीम मोमोज तो सभी ने खाए होते हैं,
अरे तो यार फीलिंग तो बहुत अच्छी है इनकी, कॉर्न वन भी डाल रखा है इन्होंने, हमने लगाई लाल वाली चटनी और ये लगाई मायो। भाई गजब का टेस्ट है, स्टीम मोमोज तो मेरे बिल्कुल फेवरेट हैं एकदम। और एक काम करते हैं, स्टीम मोमोज को बेंचमार्क रखते हैं, क्योंकि स्टीम मोमोज सबने खाए होते हैं, तो हम बाकी मोमोज उसी से आपको कंपेयर करके बता देंगे। मगर अभी मत बोलना कि स्टीम मोमोज भी नहीं खाए, अगर स्टीम मोमोज नहीं खाए ना भाई फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं करा तुमने, अर्थ पर रहने वाले नहीं हो तुम, मार्स मार्स में चले जाओ। अब यार स्टीम मोमोज ट्राई करके तो मज़ा आ गया, और अब चलते हैं दूसरे मोमोज पे। अब कौन से ट्राई करें, इतने सारे मोमोज हैं हमारे पास आज, अब ट्राई करते हैं तंदूरी मोमोज, और ये रेड कलर के हैं। तंदूरी मोमोज की मेकिंग तो आप सबने देखी होगी, नहीं देखी तो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार पोस्ट करी है। फीलिंग तो सेम ही है, ये वेज वाले ही थे शायद। पहले मायो में डिप और ये लाल चटनी में। तंदूरी मोमोज का थोड़ा स्मोकी सा फ्लेवर है, यार खा के मज़ा आता है। मोमोज तो कितने भी खिला लो, मेरे को पूरे दिन खा सकता हूँ मोमोज में। फिर क्या कहते हो, 24 आवर्स चैलेंज हो जाए मोमो का, कमेंट करके बता देना एक बार। तो अब ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा मोमोज, और हमने वॉन्ग्स भी ट्राई करे थे, पर ये वाले पिज़्ज़ा मोमोज हैं थोड़े से अलग होंगे उनमें से। उसके ऊपर क्या था, उन्होंने पिज़्ज़ा को थोड़ा सा वही जैसे लेते हैं नॉर्मल मोमोज लिए, उसको स्टीम करा फिर फ्राई करके उसके ऊपर चीज़ वीज़ डाला था, वो वाले टाइप के थे वो। और जो ये वाले हैं इसके अंदर पिज़्ज़ा की फिलिंग होगी, तो अब देखते हैं कैसे है, मैंने भी कभी ट्राई नहीं करे हैं। तो अब आ जाओ, ये हमारे भाई इस पे वो लग गया चॉकलेट, वो नहीं खाऊंगा मैं। ये रहे हमारे भाई, थोड़े चटनी वटनी लग गई है इस पे, ये पिज़्ज़ा मोमोज, और इसके अंदर ये इन्होंने पनीर और कॉर्न की फिलिंग डाल रखी है। थोड़ा सा गंद मच गया है मेरी प्लेट में, पर कोई नहीं, चलता है। इस वाले पिज़्ज़ा मोमोज का जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग है उनसे, एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जैसे जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है ना, उसी फिलिंग को मोमोज के अंदर भर दिया है। पर टेस्ट गजब का है यार, मैंने अब तक तीन मोमोज ट्राई कर लिए, तंदूरी, स्टीम और पिज़्ज़ा मोमोज, और मेरे को अब तक सबसे बढ़िया जो लगा वो था स्टीम मोमोज। बाकी वो दोनों भी बहुत अच्छे थे, पर उसके कंपैरिजन में भाई थोड़ा फीके पड़ गए वो। बट चलो अब ट्राई करते हैं अपने फोर्थ मोमोज, और अब हम ट्राई करेंगे कुरकुरे मोमोज। और यहाँ एक कुरकुरे मोमोज थोड़े क्रंची से लग रहे हैं, और फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इनकी भी। ये पनीर की फीलिंग है, पनीर अच्छे से भर रखा है, और थोड़े क्रिस्पी भी हैं ये। और बहुत ज़्यादा क्रंची, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, इनका जो टेस्ट है स्टीम वाले मोमो से थोड़ा सा आगे है, 10 गुना आगे बोल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सा आ गया। और फिर सारी होम वीडियोस मैं छत पे ही बनाया करूँगा, क्योंकि छत पे आके तो भाई मौसम इतना अच्छा होता है, मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि बाहर ही बैठ कर मैं दोस्तों के साथ खा रहा हूँ। कुरकुरे मोमोज तो बहुत सही थे, एक और बाइट खा लेते हैं। तो अब आते हैं अगले मोमोज पे, अब ट्राई करते हैं फ्राइड मोमोज। ये हमारे फ्राइड मोमोज हैं, फिलिंग वैसे सबकी सेम ही है, पनीर ये आपको वही दिखेगी, ओहो पनीर आ गया, पनीर या वेज की दिखेगी, क्योंकि आपको पता है वेज वालों के दो ही ऑप्शन होते हैं, पनीर और पनीर। फ्राइड मोमोज खा के मतलब सेम जो टेस्ट था वो तो बिल्कुल सेम था, जैसे हम स्टीम मोमोज खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था, बस थोड़ा सा क्रंची ने सारी थी, थोड़ा सा क्रिस्पी था। पर यार कुरकुरे मोमोज था वो तो अल्टीमेट था, मैं भूल नहीं पा रहा उसको, तो प्यार हो गया मेरे को उससे। तो अब ट्राई करते हैं चॉकलेट मोमोज, पहले ही खा लेता हूँ क्योंकि बाद में खा के मेरा टेस्ट ख़राब ना हो जाए। एक बार पहले ट्राई करे थे तो बस पता है मेरे को मैंने कैसे कर लिए थे। तो इसको लाल वाली में डिप कर दूँ क्या, एक बार पॉप कर दूँ। ऐसे ही खा लेता हूँ, कोई वीडियो डिसलाइक नहीं करेगा ये देखने के बाद कि मैंने चॉकलेट मोमोज खाया है। तो देखो मैं आपको सच बात बताता हूँ, चॉकलेट मोमोज खाने के बाद जो टेस्ट है वो अच्छा है, ठीक है मतलब। और अब ये सुन के अनसब्सक्राइब मत कर देना, कहीं सुबह उठूँ चैनल डिलीट करवा दिया हो, रिपोर्ट करवा दिया हो सबने मिलके। यार देखो इसके अंदर ब्राउनी डाल रखी है इन्होंने, और जो मैंने पहले खाए थे ना उसके अंदर न्यूटेला था, तो वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगे थे, पर हाँ इनके अंदर ब्राउनी है, ये देखो ब्राउनी भर रखी है, तो टेस्ट सही लगा मेरे को इनका। दोबारा नहीं खाऊंगा भाई, डिसलाइक कर दोगे तुम वीडियो। भाई देखो अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है, कुछ अजीब सा ट्राई करना है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता ही है। तो अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो डिसलाइक हो जाएगी। और आप ट्राई करते हैं अफगानी मोमोज को, अफगानी मोमोज को तो ऐसे ही खा लेता हूँ, चम्मच ही उठा रहा हूँ मैं। ये अफगानी लग तो नहीं रहे मेरे को तो, हाँ नहीं अफगानी है ये, इसके अंदर ही पनीर की फिलिंग है, चटनियों का तो बुरा हाल हो गया यहाँ पे।
जो अफगानी मोमोज है थोड़े से क्रीमी कम है, वो आपको देखने में लग रहा होगा कि क्रीम थोड़ी सी कम थी उसके अंदर, अगर क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा होती ना तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती। बाकी हाँ फिलिंग बहुत अच्छी थी। तो अब ट्राई करते हैं दूसरे मोमो, ट्राई करते हैं पैन फ्राइड मोमोज। और ये भाई पनीर की फिलिंग वाले हैं तो तोड़ के क्या ही दिखाना है, ऐसी बाइट ले देता हूँ। थोड़े स्पाइसी दार्जिलिंग वाले थे, हाँ भाई थोड़ा सा स्पाइसी है ये, वो क्रंची भी है और इसके अंदर फिलिंग है भाई, फिलिंग का टेस्ट भी अच्छा है यार। बॉम मोमो की फिलिंग अच्छी होती है वैसे, मैंने पहले भी ट्राई किया, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वही 20 रुपये वाली प्लेट से अपने, थोड़े से 100 रुपये के आसपास पड़ते हैं हमें, भाई बॉम मोमो क्वालिटी देता है ये बात तो है। एंड लिसन, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन ऑफ बॉम मोमोज। अब ट्राई करते हैं आज के लास्ट मोमोज, और हमने सारे मोमोज ही कवर करने की ट्राई करी, बट लॉकडाउन की वजह से कुछ मोमोज हमें मिल नहीं पाए, तो जितने हमें मिले 10-15 मोमोज हमने वो ऑर्डर कर लिए और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। तो अब ट्राई करते हैं अपने ग्रेवी मोमोज जो हमारा आज का लास्ट आइटम है। और ये देखो साइज देखो कितना बड़ा है, पूरा खा जाए भर में काज नहीं। सुपर क्रीमी, एकदम अमेजिंग टेस्ट है इसका, खाते मज़ा आ गया मेरे को। तो जो ग्रेवी मोमोज की ग्रेवी थी यार वो थोड़ी थिक थी और बहुत चटपटी सी ग्रेवी थी, मज़ा आ रहा है खा के। और अब तक के सबसे बेस्ट मोमोज मेरे को ग्रेवी मोमोज ही लगे, इसलिए इनके एक और बाइट लेनी तो बनती है। तो अब क्षितिज बहुत देर से रो रहा है कि मेरे को भी खाने हैं मोमोज, तो मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है कि 2-3 और पीस खा लूँ इसके, तो इन सबको ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं और फिर आके आपको बताते हैं कि सबका क्या प्राइस था, कौन सा हमने कहाँ से ऑर्डर करे थे, पूरी डिटेल बताते हैं। सो अब करते हैं मोमोज की बात, तो मेरे को सबसे बेस्ट जो मोमोज लगे हुए थे पैन फ्राइड, कुरकुरे मोमोज और कौन से थे वो ग्रेवी मोमोज, ये तीनों मेरे को सबसे बेस्ट लगे। और रही यार स्टीम मोमोज की बात, स्टीम मोमोज तो मेरा प्यार है तो मैंने उनको अलग ही रख दिया, उसको इन सबसे कंपेयर नहीं करा। और बाकी मेरे को जो सबसे बढ़िया लगे वो मैंने आपको बताया, पैन फ्राइड, ग्रेवी और कुरकुरे मोमोज। और जो मैंने पैन फ्राइड और चॉकलेट मोमोज ऑर्डर करे थे वो थे वाओ मोमोज से, बस ये दो हमने उससे मंगवाए थे। और जो हमारे अफगानी मोमोज थे और तंदूरी मोमोज थे वो हमने मंगवाए थे चाइना टाउन विकासपुरी में है। और जो बाकी बचे हुए 5 मोमोज थे वो हमने ऑर्डर करे थे आते थे किंग मोमोज से, मोमो किंग है किंग मोमोज ऐसा ही उस शॉप का नाम है, तो ये भी विकासपुरी में, तो हमने वहाँ से ऑर्डर करे थे। और जो अफगानी मोमोज थे कि वो थोड़े से क्रीमी कम थे इसलिए मेरे को अच्छे नहीं लगे वो, हाँ बाकी टेस्ट सही था पर हाँ थोड़ी क्रीम और होती ना तो मज़ा आ जाता। और चॉकलेट मोमोज नहीं, उसकी बात नहीं करते भाई, अनसब्सक्राइब कर दोगे उसके बारे में बताऊँगा कुछ तो। और हाँ यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि हमारा मोमो प्लेटर आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।